देखिए 4.11 क्या है कह रहा है इन अ चेंबर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज मेंटेन्ड ठीक है एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ फोर पॉइंट एट इन टेन सिक्स मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल डिटरमाइन बाई द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट की वैल्यू दी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवेन है पहले गिवेन नोट कर लेते हैं फिर बात करते हैं क्या लफड़ा है देखिए गिवेन एक तो ये दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस मैग्नेटिक फील्ड दिया है सिक्स गॉस और गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे बाई चांस हमारी बुक में तो गिवन है लेकिन एग्जाम में गिवन नहीं आएगा लेकिन दे सकते हैं ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है और इलेक्ट्रॉन फील्ड में एंट्री करता है जिस स्पीड से उस स्पीड की वैल्यू दी है 4.8 पॉइंट एट इंटू टेंट पावर सिक्स फोर पॉइंट एट इंटू टेंट पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पॉवर माइनस नाइन्टीन गुलाम और इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन पॉवर माइनस थर्टी वन सबसे पहले तो कह रहे हैं कि भाई ये इस पर फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में क्यों रोटेट करता है देखो ध्यान से हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल ठीक है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के लांग और ये नॉर्मल जाएगा वाई एक्सिस के लांग तो इस पर फोर्स काम करेगा जेड एक्सिस के लांग ठीक है यानी फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन के चलने के परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स लगना है और ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करे ठीक है मतलब हम यहाँ पर तो ऐसे दिखाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है इलेक्ट्रॉन ऐसे एंट्री किया वी वेलोसिटी से इस प्रकार से रोटेट कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा नॉर्मल टू इट्स मोशन लगेगा ठीक है तो आप इसका स्टेटमेंट इस लिख दो बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग ऑलवेज नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई इट्स पाथ इज सर्कुलर ये तो पहली बात है ठीक है अब सिंपल सी बात है सर्कुलर पाथ का अगर रेडियस आर मान लें तो हम जानते हैं सर्कुलर पाथ को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन पे सेंटिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से मिलेगा उसको ये कहाँ से मिलेगा उसको ये मिलेगा लॉरेंस फोर्स से क्यू मतलब वी बी मतलब ई वी बी साइन थर्टी साइन थीटा ये फॉर्मला होता है ना और थीटा यहाँ पर क्या होगा ऑलवेज नाइन्टी तभी ऐसा होगा समझ में आई बात नहीं आई साइन नाइन्टी वन होता है यहां से वी से वी कट गया अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा एम ई वी अपान ई बी यही तो आएगा फॉर्मूला रख दो वैल्यू <coughs> इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखिएगा तो जो रेडियस आपकी है वह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है नाइन पॉइंट वन इंटू टेंट पॉवर माइनस थर्टी वन वी है आपका फोर पॉइंट एट इंटू टेंट पावर सिक्स अपान वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंट पॉवर माइनस नाइनटीन और बी दिया है सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेंट पावर माइनस फोर कैलकुलेट करने तरीका आप जानते हैं नाइन पॉइंट वन इंटू फोर पॉइंट एट अपान वन पॉइंट सिक्स इंटू सिक्स पॉइंट फाइव अलग कर दो और टेंट पॉर माइनस थर्टी वन प्लस सिक्स प्लस नाइनटीन प्लस फोर अलग कर दो समझ में भी नहीं आई हो वैसे देखो तो तेरह पच्चीस पैंसठ तेसती इक्यानवे और सोल सोलती अड़तालीस डाइट ऊपर हो गया सात सातरुख इक्कीस बटे पाँच इधर हो गया और टेंट पॉवर कितना आएगा उन्नीस उन्नीस छः चार दस उन्नीस तो दस उन्तीस माइनस इकतीस प्लस उनतीस तो ये पाँच से काटो कितना आएगा पाँचों को बीस एक पाँच दुनी दस इंटू टेंट पॉवर कितना है माइनस का उनतीस दो ये रेडियस है फोर पॉइंट टू इंटू टेंट पॉर ये मीटर लिख दो यार रेडियस आने वाली है फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर ठीक है तो हमने जानबूझ कर दिया कल उसने इजी था इसलिए कर दिया अदरवाइज हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर ठीक है तो ये आपका फोर पॉइंट वन वन हुआ ठीक है